हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने कार रीडर के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको अपने जो सैमसंग की फ़ोन है उसे अपने यूएसबी केबल की मदद से अपने टीवी पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जब यूएसबी केबल का वीडियो बनाया था तो बहुत कमेंट आ रहे थे कि ओप्पो या सैमसंग कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मेरा जो ये 4G फोन है उसे यूएसबी केबल की मदद से कनेक्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में केबल है ये है चार्जिंग का वायर यानी यूएसबी केबल, तो इसे मैं अपने एलईडी के यूएसबी पोर्ट में लगा देता हूं, और जो दूसरा वाला है उसे मैं अपने सैमसंग के चार्जिंग वाले पोर्ट में लगा देता हूं। अब हमने यूएसबी केबल को अपने एलईडी में और अपने सैमसंग वाले फ़ोन में लगा दिया है। अब टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं। ये मैं एप्पल का टीवी में कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही हम टीवी को कनेक्ट करेंगे, हम AV2 से इसे मीडिया में सिलेक्ट करके डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ अब तक हमारा फ़ोन टीवी से कनेक्ट नहीं है, नो स्टोरेज डिवाइस बता रहा है। तो देखिए, हमारे फ़ोन में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कनेक्ट हैज़ यूएसबी स्टोरेज, यूएसबी डिबगिंग कनेक्ट, यूएसबी कनेक्टेड, ऐसा कुछ दिखा रहा है हमारे फ़ोन में। तो यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है यूएसबी कनेक्टेड, उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, पीछे टीवी में अब तक हमारा फ़ोन टीवी से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ जो नीचे ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन यूएसबी स्टोरेज, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देखिए पीछे यहाँ यूएसबी हमारा फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा फ़ोन टीवी से कनेक्ट हो चुका है, तो अब हम रिमोट लेंगे और अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन दिखा रहे हैं। जो फर्स्ट है वो है एसडी कार्ड यानी हमारा मेमोरी कार्ड, और जो दूसरा है वो है हमारा फोन का स्टोरेज। ये जो आप फाइल देख रहे हैं ये है हमारा फोन का फोल्डर, और ये मैंने वीडियो शूट किया था, ये आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये है ट्रेलर प्रभास का, साहो का, तो आप इसमें फोटो, म्यूजिक, मूवी सब देख सकते हैं। देखिए यहाँ फोटो दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, आपका फोन यूएसबी सपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, कुछ फोन में यह काम नहीं करता। थर्ड, आपका फोन का वर्जन 5.1 से ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ, आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मेरा भी सैमसंग का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ चार्जिंग हो रहा था, तो मैंने क्या किया, जो यहाँ यूएसबी केबल है मैंने एलईडी टीवी पे जो लगाया था उसे निकाल के फिर से लगाया, तब मेरा ये यूएसबी का ऑप्शन आया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका जो फोन का यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन है उसे ऑन कर दीजिए। देखिए, मैं जब इसे ऑफ कर देता हूं तो ये ऑप्शन चला जाता है यूएसबी का, और जब मैं इसे ऑन कर देता हूं तो ये ऑप्शन फिर से आता है। डिबगिंग ऑन कैसे करते हैं नहीं पता, तो यहां आई बटन आ रहा होगा, और यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के बाद भी ना आए तो आपके फोन को रिसेट करके फिर से चालू करके देखिए, शायद हो जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।